नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बी एस ए डी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए। स्पेशली दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी ऐड किए, तो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कितने प्रश्नों को आप सही से हल कर पाते हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन बिजली के कुचालक हैं? जी, कुचालक जो है वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। जी, माइका और क्वार्ट्ज जो है बिजली के कुचालक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, केवल ए माने माइका और क्वार्ट्ज जो है वो बिजली के कुचालक है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 15 किलोग्राम 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। पूछा क्या गया है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर आपको m की वैल्यू दे रखी है 15 और v की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाफ m की जगह हम 15 रख देंगे और v का स्क्वायर तो 4 दे रखा है v के स्थान पर, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 16। तो यहां से हम 2 से 16 को काट देंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा, 8 × 2 = 16, और 15 की कर देंगे गुणा 8 से, तो दोस्तों 15 × 8 = 120, तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 जूल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जी, त्वरण, गति, दूरी या वेग? जी, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वेग जो है एक सदिश राशि है और इसकी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा माने मैकेनिकल एनर्जी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, विचार करके बताएं दोस्तों, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन उत्तरदायी होता है? बिल्कुल सही, स्वैच्छिक कार्यों के सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? जी, पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किस आर्गनेल कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो नाभिक जो है कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने अंदर जो है वो समाहित रखता है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गलत मिलान माने जोड़ा जो है कौन जो है वो गलत है, वही आपको बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, तांबे का प्रतीक Cu है, बिल्कुल सही है। सोने का प्रतीक Au है, यह भी बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों, अगर हम बात करें मर्क्यूरी या पारे की, तो पारे का जो प्रतीक है वह क्या है? वह Hg है। तो यह तो हमें पता चल गया कि C वाला सम्मिलित
नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें प्लैटिनम का प्रतीक पीटी और चांदी का प्रतीक एजी होता है, तो बाकी सब तो सही है। तो सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है हमें मर्क्यूरी, वह गलत है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, केवल सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व का परमाणु क्रमांक है 17, तो विचार करके बताएं दिए गए विकल्पों में से ये क्या होगा। क्षारीय धातु होगी, दुर्लभ गैस है, हैलोजन गैस, या फिर एक संक्रमण धातु है। जी आवर्त सारणी के वर्ग से संबंधित प्रश्न है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। दोस्तों इन सभी को जो है हम सामान्यतः हैलोजन कहते हैं। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी तत्वों के लवण जो है समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल, पंकिल जल माने दोस्तों जो कीचड़ युक्त पानी होता है, तो दोस्तों पंकिल जल से जल को अलग करती है। जी पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से हम छानते हैं और इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक के कण जो है वो नहीं गुजर पाते हैं और इस प्रक्रिया को दोस्तों निस्यंदन या फिर फिल्टरेशन कहते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान किस प्रकार की लौ देखी जाती है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीले लौ के साथ जलता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने के क्रम में पीली लौ के साथ साथ काफी मात्रा में धुआं भी उत्पन्न होता है। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जी मित्रों जिस प्रकार बिजली को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना जो है वो करके बताइए आप। जी डायोप्टर में दोस्तों हम उत्तर लेंस की शक्ति का जो है गणना करते हैं और यहां पर हमें दे रखा है उत्तर लेंस के फोकस की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर को दोस्तों हम भाग कर देंगे 100 से, तो 50/100 इसे हम लिख सकते हैं 1/2 मीटर। अब दोस्तों जो हमारा उत्तर लेंस की शक्ति है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो D इज इक्वल टू होता है 1/F। तो दोस्तों जब आप इसे 1/F करेंगे तो 1/1/2, क्योंकि यहां पर फोकल लंबाई जो है 1/2 मीटर है, तो यहां से जो 2 है वो कहां पहुंच जाएगा दोस्तों 1 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई, तो यहां से इस प्रकार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 2 डायोप्टर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है वो एक समान है, तो यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? जी विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। 5 किलो की और 10 किलोग्राम की दो बॉल आपको दे रखी है, गतिज ऊर्जा समान है, तो किसकी जो है संभावना ज्यादा है कि स्पीड ज्यादा होगी? जी दोस्तों 5 किलोग्राम वाली जो बॉल होगी गेंद होगी वह तेज गति से चल रही होगी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराग कण किसमें पाए जाते हैं, क्या आप जानते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराग कोश, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो
तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करेंगे? जी, किसी समांतर परिपथ में किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो दोस्तों यहां गोली की बात हो रही है, बंदूक से गोली चलाई जा रही है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? जी मित्रों, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? जी, बात करें दोस्तों दिए गए विकल्पों में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हमें एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है और यह एक कार्बनिक एसिड है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। जी, विचार करके बताया दोस्तों, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो लड़के द्वारा लिया गया समय कितना है? समय लिया है लड़के ने 4 मिनट का। तो दोस्तों अगर हम इसे देखें तो सेकंड कितने हो जाएंगे, तो 4 मिनट में दोस्तों सेकेंड हो जाएंगे 240, 6 × 24 तो 240 हमारे सेकंड हो जाएंगे। लड़के द्वारा लगाया गया बल कितना है दोस्तों? लड़के द्वारा बल जो लगाया गया है वह लगाया गया है 600 न्यूटन का। और लड़के द्वारा दूरी कितनी तय की गई? तो दोस्तों लड़के द्वारा दूरी तय की गई है 20 मीटर की। तो दोस्तों लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा? तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है? लगाया गया बल गुणा तय की गई दूरी। तो बल कितना लगाया गया दोस्तों? 600 न्यूटन का, और दूरी कितनी तय की गई दोस्तों? 20 मीटर की। तो 600 की आप करेंगे 20 से गुणा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 12,000। तो 12,000 न्यूटन मीटर जो है या फिर 12,000 जूल लड़के के द्वारा कार्य किया गया है। अब दोस्तों पूछा क्या गया आपसे? लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, तो फार्मूला क्या होगा? किया गया कुल कार्य बटे लिया गया समय। तो दोस्तों अगर हम देखें तो कितना कार्य किया है उसने? 12,000 जूल कार्य किया है। और 12,000 जूल को दोस्तों हम किससे डिवाइड कर देंगे? 12,000 जूल को हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों उस कितना समय लिया? 240 सेकेंड। 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, 24 पंजे होता है 120 और 10 तो आपका 10 आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए 50 वाट, लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? 50 वाट, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? जी, अग्नाशय दोस्तों अगर हम बात करें तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ट्रिप्सिन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों अग्नाशयी रस में जो है कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार में दोस्तों एक होता है ट्रिप्सिन, इसके अलावा दोस्तों एमाइलेज होगा और लाइपेज होगा। 3 प्रकार के इससे अग्नाशय द्वारा श्रावित होते हैं एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है दोस्तों अमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। जी दोस्तों, विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे जो है गतिविधि या फिर एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है? जी, शरीर के 4 टुकड़े करिए और वो 4 अलग अलग जीवित जीव हो जाएंगे।
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा जो कि एक प्रकार का शैवाल है और इसमें दोस्तों पुनरुद्भवन की क्रिया होती है और पुनरुद्भवन के दौरान स्पाइरोगारा में विखंडन होता है और यह कई खंडों में बट जाता है और इन्हीं खंडों के द्वारा एक नए स्पाइरोगारा का निर्माण हो जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। जी दोस्तों इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है, अल्मोनियम ऑक्साइड इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फटाफट आंसर करके बताएं कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 किलोग्राम और वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो दोस्तों 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो वस्तु पर लगाया बल हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, F बराबर क्या होता है एम ए, और यहां पर F कितना दे रखा है दोस्तों 10 दे रखा है, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और A जो है वो हमें निकालना है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 10 में से 10 को 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों A इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो दोस्तों दिए गए कथन में उपरोक्त में वस्तु जो है 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से मुक्त रूप से गति करेगी, तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। जी 540 ग्राम ग्लूकोज आपके पास है, पूछा गया है मोलों की संख्या कितनी होगी। जी मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का द्रव्यमान भाग कर देते हैं पदार्थ के अणु भार से, तो दोस्तों यहां पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है, वह दे रखा है आपको 540। और दोस्तों ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है क्या आप जानते हैं, ग्लूकोज का अणु भार जो है दोस्तों 180 होता है, कितना होता है 180, जीरो से जीरो कट जाएगा 18 * 54, तो यहां से आपका मोलों की संख्या निकलकर आ जाएगी दोस्तों 3। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों विचार करके बताएं कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिडीन और फ्लोरीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। जी इस प्रश्न को दोस्तों हम परिवर्तित रूप में पीछे भी देख चुके हैं और हम पहले ही जानते हैं दोस्तों कि फ्लोरीन जो है या फिर इन सब की बात करें तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित ये 5 तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन, और इन सबको जो है दोस्तों सामान्यतः हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। जी ऑलरेडी 50-50 कर रखा है, यहां पर सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन दिए हैं, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। जी मित्रों बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे हम मीठा सोडा अथवा खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों यदि आप 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक पिंड को ऊपर की ओर उछाल देते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उस पिंड को कितना समय लगेगा। जी दोस्तों ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा वह कितना है वो आपको दे रखा है u बराबर दे रखा है दोस्तों 14 मीटर प्रति सेकंड,
और दोस्तों जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों जब वस्तु जो है उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद वह ऊपर जाना बंद कर देगी। तो दोस्तों जो हमारा आखिरी पॉइंट पे वेग होगा, v होगा, वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या गया है दोस्तों, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में समय कितना लगा, तो दोस्तों t जो है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों गति का प्रथम समीकरण है वह क्या है, वह क्या है, b बराबर u माइनस जी टी, जी b बराबर u माइनस जी टी। तो दोस्तों v जो है वो आपको जीरो है, तो हमने यहां पे जीरो रख दिया, बराबर यू कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है, माइनस जी दोस्तों, तो जी की वैल्यू है 9.8 और टी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो आ जाएगा 9.8 टी। तो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों टी बराबर आ जाएगा हमारा 14/9.8, और जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.43 सेकेंड, लगभग जो है 1.43 सेकेंड आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, गति के प्रथम समीकरण पर आधारित यह प्रश्न है। फॉर्मूला हमारा लगेगा v बराबर u माइनस जी टी। v की वैल्यू दोस्तों जो लास्ट वेग है, अंतिम वेग है, वह हो जाएगी जीरो। u की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है 14 मीटर प्रति सेकेंड। g की वैल्यू दोस्तों दे रखी है, और t जो है हमसे पूछा गया है। फॉर्मूले में लगा के लगाएंगे आप तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, विचार करके पता है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है, पदार्थ का आयतन, और डिवाइड कर देते हैं पदार्थ का आयतन या फिर पदार्थ का द्रव्यमान, और उसे हम भाग कर देते हैं पदार्थ के अणु भार से। तो दोस्तों यहां पर पदार्थ का जो हमें द्रव्यमान दे रखा है वह कितना दे रखा है, 60 ग्राम, और पदार्थ का अणु भार, तो दोस्तों हीलियम का अणु भार कितना होता है, 4 होता है। तो 60 को जब हम 4 से भाग करेंगे दोस्तों, तो सभी का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 15 मोल्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व के समस्थानिक माने आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 298 में से 188 माइनस कर देंगे, 298 में से हम 188 घटा देंगे, तो बचेगा क्या दोस्तों, 110, जो कि पदार्थ की परमाणु संख्या भी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। जी दोस्तों एक मोल हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक मोल हाइड्रोजन का भार कितना होता है दोस्तों, 1 ग्राम होता है। एक मोल हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होगा, और एक मोल वाटर माने ऑक्सीजन का भार कितना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के दोस्तों वाटर बनता है, तो एक मोल ऑक्सीजन का जो भार होगा वह होगा दोस्तों 16 ग्राम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। C6H14 का सूत्र दिए गए विकल्पों में किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। जी हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वे यौगिक है जो पूर्णतः हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, हेक्सेन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। जी पीएच वैल्यू आपको दे रखी है, विचार करके पता है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। जी पीएच मान जितना कम होगा घोल जो है उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू जीरो,
पीएच मान जीरो वाला घोल जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है? जी दोस्तों, कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो दोस्तों यहां पर पूछा क्या गया, आपसे कार्य पूछा गया, तो बल कितना है 10 और विस्थापन कितना है दोस्तों 0। और किसी भी चीज को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 0। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के द्वारा 0 जूल ले कार्य किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्तीय सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? जी दोस्तों, वे समजातीय श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलीन का अंतर होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें मीथेन इथेन इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्तीय सदस्य तो सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच 14 की भिन्नता होती है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? जी हम सब ने दोस्तों आर्किमिडीज का उत्प्लावन का सिद्धांत पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों उसके ऊष्मीय प्रभाव पर? जी दोस्तों, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? जी दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। F की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको 21। बात करें दोस्तों A की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, A की वैल्यू पता करनी है, त्वरण पता करना है, और M की वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको 3। तो यहां पर अगर आप देखें F बराबर एम ए है तो 21 बराबर क्या है, 21 बराबर आपको दे रखा है 3 into A, यानी कि 3A। A को हम यहीं पर रखे और 3 को पहुंचा दे 21 के नीचे, तो 7 * 21, तो यहां से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या आया, 21 को हम 3 से भाग देंगे तो 7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? जी दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जी मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 0.1 सेकंड तक कायम रहती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों का नर प्रजनन अंग दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी पुष्प का नर अंग जो है पुंकेसर माने स्टेमेन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं, आज का ये आखिरी प्रश्न था, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।